हेलो, कैसे हैं सर आप? हेलो। हाँ जी, बढ़िया बढ़िया, आप सुनाइए। सर मेरा तो सर कल से थोड़ा फीवर आ रहा है, मतलब 100.1 100.2 ऐसे आ रहा है। वो तो कोई बात नहीं, आपका एनर्जी लेवल ठीक है ना? एनर्जी लेवल ठीक है मेरा। और ये पैरासीटामोल खा सकते हैं सर? हाँ, पैरासीटामोल ले लो ना, 4 ही ले लो आप, एक एक करके 6 6 घंटे के इंटरवल पर। अच्छा, डॉक्टर ने बोला अगर 101 से जाएगा तो आप स्टीरॉयड ले लेना, मतलब ऐसे बोल रहे हैं सर। स्टेरॉइड का तो जरूरत नहीं होता वैसे, अनलेस कि आपको लंग्स में कोई प्रॉब्लम हो रहा हो। अगर लंग्स में प्रॉब्लम नहीं है, कफ नहीं है, फिर तो जरूरत नहीं है। कफ नहीं, बस थोड़ा सोर थ्रोट है सर, मतलब सोर वो नहीं थ्रोट तो होता कुछ नहीं होता, वो अपने आप ये ठीक हो वाला जाएगा। हाँ, पर आपका ऑक्सीजन तो 97 आ रहा है ना? 98 99 ऐसे आ रहा है। हाँ, मेरे ख्याल से स्टेरॉइड की जरूरत नहीं है अभी कोई भी। अच्छा, तो सर मैं अब अपने दिन कैसे काउंट करूं, मतलब जितने डे वन सिम्टम्स से है सिम्टम आपका जी पॉजिटिव। हाँ, जिस दिन से सिम्टम आए, सिम्टम आपको आए नहीं ना कोई भी? कल आए ना फीवर? नहीं, जब से पॉजिटिव हुआ है उसके 2 3 दिन पहले से ले लो। अच्छा हाँ, कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, तो अभी तो फिर यही करना। और सर जैसे गार्गल वार्गल कर सकते हैं ना? वो तो कर सकते हैं, उसमें तो कोई खराब और नहीं पानी है। कैसे इंटेक होगा, पानी इंटेक कैसे होगा? कम ज्यादा करते रहो, हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन एग्जैक्टली वैसे नहीं करना। तो एक दिन जैसे 2.5 लीटर के करीब ले लो। और आपका हाइट कितना है? 5'10" 5'10" है, तो एक दिन 3 लीटर ले लो, एक दिन 1 लीटर ले लो, ऐसे करके स्विच करते रहो बस। अच्छा, तो खाया नहीं जा रहा, मतलब इतना टेस्ट वेस्ट नहीं आ रहा ना, तो उसके लिए क्या मतलब कुछ पड़ेगा? नहीं, उसके लिए सहना पड़ेगा, उसके लिए खाना पड़ेगा। पूरा नहीं खा सकते, 10 20 30% तक कम कर लो, पर खाना इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर ठीक। फॉर इम्यूनिटी। पहले तो हॉस्पिटल्स वाले इग्नोर कर रहे थे कि खा नहीं रहे पेशेंट, पर जो लोग खा नहीं रहे उनका हालत खराब हो जाती है, क्योंकि दिस फेज इज लाइकली टू लास्ट एटलीस्ट 3 4 डेज। और 3 दिन 4 दिन मत नहीं लो ना अगर खाना, तो आपका ब्लड सर्कुलेशन अफेक्ट होने लगता है, फ्लूइड भरने लगता है पानी। अच्छा ठीक इसलिए खाने में तो थोड़ा बहुत कटौती तो चल जाता है, पर ज्यादा मत करो। मतलब खाने में कितना खाना है, मतलब कुछ कुछ खाते रहे? नहीं, लेना तो 3 मिली है, उससे ज्यादा तो नहीं लेना। बट जैसे आप 4 रोटी खाते हैं, 3 पर आ जाइए। अच्छा, 3 भी नहीं तो खाया जा रहा सर। आई अंडरस्टैंड दैट, 2 2.5 पर आ जाओ, पर खाना मतलब चाहिए कुछ ना कुछ। ठीक है। और बाकी लोग कैसे हैं? सिस्टर दीदी का तो तबीयत खराब है सर, कितना? पेट खराब, उसका फीवर तो नहीं आ रहा, पेट खराब हो गया सर। वो तो कोई बात नहीं, 2 3 दिन में ठीक हो जाएगा, पर ऑक्सीजन तो पूरा है ना? ऑक्सीजन 98 99 ऐसे चल रहा और ब्रदर इन लॉ का? है। वो तो ठीक हो गया, मतलब ठीक हो रहे हैं, हो चुके हैं हाँ बस। ठीक है, बस नथिंग टू वरी अबाउट। पेट का तो जो खराब हुआ है वो 2 3 4 दिन लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जब तक तो फीवर और बाकी सब सिम्टम्स नहीं आ रहे। सबसे ज्यादा जो डिस्टर्बिंग होता है वो तो टेस्ट का ही होता है वैसे, पर टेस्ट का आने का मतलब ये है कि रिकवरी तो हो ही रही है। तो सिस्टर को ये सब नहीं आया टेस्ट का कुछ दिक्कत? टेस्ट का उसको आया था, टेस्ट आया था, पर 2 3 दिन में ठीक हो गया उसका। हाँ, उसका 2 या 3 दिन का ही होता है ज्यादा। मेन प्रॉब्लम तो 2 3 दिन का होता है, तो और जो 2 3 दिन होता है उसमें खाना बहुत ही मुश्किल पड़ जाता है। और सर थोड़ा सा इंसोम्निया जैसा हो गया, मतलब नींद नहीं आता सर। पता नहीं, नींद नहीं आता या अच्छे से नहीं आता? नींद अच्छे से मतलब क्या, नींद आता ही नहीं सर। मैं देख रहा हूँ इसमें, इसके सिम्टम्स में ये है कि नींद नहीं आता। नहीं, इसमें तो बहुत नींद आती है, मेरे को तो 20 20 घंटे तक नींद आती थी। आपको भी हुआ है? लास्ट ईयर हुआ था, अच्छा, लास्ट ईयर मैं खुद अपना जो रेगुलेशंस है उसको गड़बड़ कर दिया था। नहीं मुझे तो नींद नहीं आता सर, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? वॉक एंड रेस्ट? हाँ, नींद नहीं आ रहा तो वॉक एंड रेस्ट कर लो, जल्दी कवर हो जाएगा। अगर वॉक एंड रेस्ट अच्छा करने के बावजूद भी आपका ऑक्सीजन लेवल नहीं गिर रहा, तो फिर तो कोई भी लेने की जरूरत नहीं है, कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टेराइड का अपना साइड इफेक्ट होता है। तो स्टेराइड लोगे तो इम्यूनिटी भी डाउन जाएगा, वो तो जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है तब तक नहीं लो। आप वॉक एंड रेस्ट करोगे तो उससे आपको पता चल जाएगा नीचे जा रहा नहीं जा रहा। करेक्ट सर। ठीक है ठीक ठीक है सर, है, ओके। ओके।